नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आप लोग के बीच हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। नाम से यह स्पष्ट है, ब्याज ब्याज यानी इंटरेस्ट है ना। इसको हम लोग जनरल भाषा में सूद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूद कहते हैं। सूद ब्याज, सूद ब्याज। तो यही एक जनरल भाषा में क्या है? सूद। अब देखिए क्या होता है, आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी से कर्ज लेते हो, जितना रुपया कर्ज लेते हो उसको कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। कर्ज क्यों लीजिएगा? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए। जो आदमी आपको बिजनेस में हेल्प किया है या जिसके पैसे से आपने प्रॉफिट कमाया है, तो क्या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसका बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो जितना रुपया आप उसको एक्स्ट्रा बढ़ाकर देते हो उसको कहते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। जो राशि कर्ज लेते हैं उसको प्रिंसिपल, जितना रुपया बढ़ाकर देते हैं उसको इंटरेस्ट। कर्ज लिए वो, बढ़ाकर दिए वो, दोनों देखे हिसाब किताब क्लियर, उसी को कहते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। समझ पा रहे हैं बात? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ब्याज दो तरीके से लिया जाता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, नाम से स्पष्ट है। इसमें प्रत्येक साल का मूलधन भी फिक्स होता है और प्रत्येक साल का ब्याज भी फिक्स होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, नाम के अनुसार क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर जब ब्याज जुटने लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वैसा भी करते हैं हम लोग जनरल भाषा में कि जिसको वैसा ब्याज जिसको देखकर चक्कर पर चक्कर आने लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, हर साल का प्रिंसिपल अलग अलग होता है, क्योंकि पहले का जो अमाउंट होता है दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का जो अमाउंट होता है तीसरे के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। यही काम होता है इसमें, इसलिए इसका ब्याज मूलधन भी अलग अलग होता है, जिसके कारण ब्याज भी अलग अलग होता है। पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू हमेशा साधारण ब्याज से क्या होता है? ज्यादा होता है, और पहले साल में दोनों क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे अगर कहा जाए पहले वर्ष का ए साइड साधारण ब्याज, तो यह होगा 100 का 10%। अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो 100 का 10% यानी 10 रुपया का ब्याज आपको मिलेगा। उसी तरह से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज की बात की जाए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो यहां भी क्या होगा? 100 का ही 10% यानी 10 रुपया मिलेगा। अगर तीसरे वर्ष के साधारण ब्याज की बात की जाए तो तीसरे वर्ष का भी एसआई क्या होगा? वो 100 का 10% होगा। 100 का 10% यानी कितना रुपया होगा? 10 रुपया। क्लियर है सर? 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा बताओ? 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कितना रुपया? 30। अब यही चीज हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करते हैं। पहले वर्ष का 100 का 10% 10 रुपया, दूसरे वर्ष 100 का 10% 10 रुपया, तीसरे वर्ष 100 का 10% 10 रुपया, यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करते हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, पहले वर्ष का जो सीआई होगा वो 100 का 10%, हम मान लिए 100 का 10% 10 रुपए। दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो क्या होगा? मूलधन और ब्याज यानी मिश्रधन 110 का 10% यानी 11 रुपए। तीसरे वर्ष का जो सीआई होगा वो 121 का 10% यानी कि 12 रुपए। 121 का 10% 12.1 टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 3 वर्ष का सीआई जो हो जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12.1 यानी कि 33 पॉइंट। देखिए प्रत्येक साल का साधारण ब्याज समान है, प्रत्येक साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का मूलधन भी सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का मूलधन बदल रहा है। पहले का जो मिश्रधन है वो दूसरे के लिए मूलधन, और दूसरे का जो मिश्रधन है वो तीसरे के लिए मूलधन का काम कर रहा है। पहले साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम है ना, और 3 साल में सीआई का जो वैल्यू है वो सीआई का जो वैल्यू है वैसे एसआई से क्या है? ज्यादा है। तो साफ साफ क्लियर होता है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज सेम होता है और प्रत्येक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अलग अलग, और सीआई का वैल्यू होता है एसआई से ज्यादा, लेकिन पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? सेम। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, क्लियर से समझेंगे इसको, इसको नोट कर लेंगे सर अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना है सर, क्योंकि जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठेगा समझ में नहीं आएगा, और इसको बार बार देखना है। बार बार देखने से क्या होता है कि वो चीज आपको रिवाइज होगा और कंप्लीट होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे समझिएगा सर इसको।
जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% और 2 साल की बात की जाए, 10% 2 साल, अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो 10% हर साल 10%, तो 2 साधारण ब्याज होता है, RT% होता है, मतलब रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो हर साल 10% तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन यही 10% और 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, 10% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, तो इसमें ब्याज पर ब्याज जुटता है, तो क्या होगा, 10 + 10, 10 × 10/100। कैलकुलेट करें कितना परसेंट आ जाएगा, 21%। समझ पा रहे हैं? यही अगर 10% 3 साल की बात की जाए, 10% 3 साल, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 10 × 30%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा 10% 3 साल, तो 10, 10 और 10, तो पहले 10-10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 21 निकाल चुके थे 2 साल का। अब 21 का कैलकुलेशन 10 के साथ करेंगे, तो 21 + 10, 21 × 10/100 काटेंगे सर, 21 + 10 = 31 और 2.1 यानी 33.1। यही चीज अगर कहा जाए 10% 4 साल का, ये CIS 10% 4 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो 10% 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
ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी फ्रैक्शन में अभी आता है 16.2%, और टाइम अगर 2 साल देते तब भी हम लोग बना सकते हैं बहुत इजिली से। इसके लिए सबसे पहले 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, इसको हम लोग तोड़ेंगे 16 * 48 तो 50/3। 16.2/3 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 16 * 48 तो 50/3, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 50 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो 1/6। क्लियर? ये है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल और ये क्या है इंटरेस्ट। चलिए, लेकिन अगर प्रिंसिपल निकालना है टाइम 2 साल है तो 2 साल के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है, ऊपर के स्क्वायर से सीआईएसआई का डिफरेंस निकलता है। नीचे के स्क्वायर को करेंगे, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, यही आपका क्या होगा प्रिंसिपल। नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकल गया, इसका 1/6, इसका 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6, 36 का 1/6 कितना होगा बताओ, 36 का 1/6 करेंगे यानी 6, और फिर इसका 1/6, इसका 1/6, नीचे का स्क्वायर प्रिंसिपल, 6 का स्क्वायर 36 प्रिंसिपल हो, इसका 1/6 6, इसका 1/6, इसका 1/6 1, ये हो गया प्रिंसिपल। 36 क्या कहलाता है प्रिंसिपल। एसआई कितना होगा 6 और 6 12, 2 साल। सीआई कितना होगा 6 6 12 1 13, और सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा 12 13 में से 12 गया 1। बात समझ में आया? नीचे का स्क्वायर प्रिंसिपल, 6 का स्क्वायर 36 प्रिंसिपल निकला, इसका 1/6 किए 6, इसका 1/6 6, इसका 1/6 1, तो प्रिंसिपल क्या होगा 36। 2 साल पहले वर्ष का एसआई 6, दूसरे वर्ष का एसआई 6, तो 2 वर्ष का एसआई 12, पहले वर्ष का सीआई 6, दूसरे वर्ष का सीआई 7, तो 2 वर्ष का सीआई टोटल 13, और सीआई एसआई का अंतर कितना 1। प्रिंसिपल का कितना है 36, पहले वर्ष का एसआई 6, दूसरे वर्ष का एसआई 6, 2 वर्ष का एसआई 12, पहले वर्ष का सीआई 6, दूसरे वर्ष का सीआई 7, तो 2 वर्ष का सीआई 13, और सीआईएसआई का अंतर बोलेंगे, ये 2 साल का एसआई है, पूरा 2 साल का सीआई है, और सीआईएसआई का अंतर करेंगे तो कितना होगा 1। एक तरीका हुआ 2 साल का सीआई या एसआई निकालने। अब इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 3 साल भी हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है बट टाइम 3 साल भी हो सकता है। ये जो भी वैल्यू निकला ये किसमें निकला है, रेशियो में। एक और चीज है कि याद रखिएगा, प्रिंसिपल निकालना है तो ऊपर नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है और ऊपर के स्क्वायर से सीआईएसआई का डिफरेंस निकलता है। 2 साल में क्या होता है, अगर नीचे का स्क्वायर कर देंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा और ऊपर का स्क्वायर कर देंगे तो डिफरेंस निकलेगा, बट ये सब रेशियो में, ये सब किसमें है रेशियो में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, सर समझिए। अब 3 साल का एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल का बॉक्स है, 3 साल है तो 3 बॉक्स बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 4। आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 16.2/3%, और टाइम कितना मान लेते हैं 3 साल। इसका मतलब 1/6 पहले की तरह। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए नीचे का क्यू करते हैं, नीचे का क्यू करेंगे 6 का क्यू 216, ये प्रिंसिपल हो गया, 6 का क्यू कितना हो गया 216 प्रिंसिपल। इसका 1/6 करेंगे, इसका 1/6 क्या होगा 36, इसका भी 1/6 करेंगे ये भी क्या होगा 36, और इसका 1/6 करेंगे ये भी क्या होगा 36। अब फिर इसका 1/6 करेंगे, इसका 1/6 करेंगे 6 होगा, इसका 1/6 करेंगे 6 होगा, और इसका 1/6 करेंगे ये भी 6 होगा, फिर इसका 1/6 करेंगे ये 1 होगा। ध्यान दीजिए, नीचे के क्यूब से निकलेगा प्रिंसिपल, इसका 1/6 1/6 1/6 216 36 36 36, ये पहले वर्ष का एसआई 36, दूसरे वर्ष का एसआई 36, तीसरे वर्ष का एसआई 36, पहले वर्ष का एसआई 36, दूसरे वर्ष का एसआई 36, तीसरे वर्ष का एसआई 36, 3 वर्ष का एसआई, तीनों को जोड़ दें, पहले वर्ष का सीआई 36, दूसरे वर्ष का सीआई 36 6 42, तीसरे वर्ष का सीआई
36, 6 और 1 36, 6 42, 42, 6 48, 49। अगर सीआई एसआई के अंतर की बात किया तो 3 साल का एसआई पूरा 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई एसआई का अंतर कौन होगा? ये 6, 6, 6 और 1 3 साल का एसआई, 3 साल का सीआई और सीआई एसआई का अंतर क्या होगा? 6, 6, 6 और 1। समझा? पहले वर्ष प्रिंसिपल कितना है नीचे करके 216, पहले वर्ष का एसआई 36, दूसरे वर्ष का एसआई 36, तीसरे वर्ष का एसआई 36, पहले वर्ष का सीआई 36, दूसरे वर्ष का सीआई 36, 46, तीसरे वर्ष का सीआई 36, 46, 48, 49। 3 वर्ष का सीआई टोटल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 216। सीआई कितना होगा? 36 × 3। एसआई 36 × 3, 36 × 3 = 108। दिख रहा है? सीआई कितना होगा? 36 × 3 + 6 × 3 + 1 है ना? 36 × 108, 6 × 18 + 1 18 × 19 = 9, 8 = 17, 127। नहीं, और सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों को घटा लीजिए, 127 - 108 यानी कि 16, 19। प्रिंसिपल 216, 3 वर्ष का एसआई 36 × 3, 3 वर्ष का सीआई 36 × 3, 6 × 3 और 1। ये तीन हो जाएगा सेम, ये तीन हो जाएगा सेम, यहाँ डिफरेंट। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग चले। चलिए सर आगे हम लोग चलते हैं, इसको ध्यान दीजिए। देखिए जैसे एक छोटा सा प्रश्न हम आपके सामने लिखते हैं, बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल जो है आपका हम लिखते हैं 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम जो है 2 साल। अब आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 साल। आपसे पूछा जाएगा साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, एएसआई क्या होगा, अमाउंट फॉर एसआई क्या होगा, ये अमाउंट फॉर सीआई क्या होगा। 10% 2 साल, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सालाना, टाइम 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा, एएसआई क्या होगा, एसीआई क्या होगा। हर साल 10%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 10% 2 साल 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको हम बताए थे सर 2r और r स्क्वायर, तो 2 × 10 और 10 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किए तो 20 और ये 100 आपको याद होगा, दो अंक रखते हैं ट्रांसफर, यानी 21%। क्लियर? 21% है। अगर सीआईएसआई के अंतर की बात की जाए तो 21% और 20%, यानी कितने परसेंट का अंतर? 1%। एएसआई अमाउंट फॉर एसआई यानी साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन, साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन, तो 100% तो मूलधन होता है, जो राशि आप कर्ज लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलधन, यानी 100%। और 21% ब्याज मिलाकर कितना परसेंट होगा? 21%। अब 100% मूलधन, 100% मूलधन और 20% ब्याज है साधारण ब्याज का, 120%। अब 100% मूलधन है, 21% चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज, तो मिलाकर कितना परसेंट हो जाएगा? 121%। हर साल 10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, कंपाउंड इंटरेस्ट 21, डिफरेंस कितना? 1। अमाउंट फॉर एसआई 120, अमाउंट फॉर सीआई 121, यानी 100% धन और 20% ब्याज 120, 100% धन और 21% ब्याज 121। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू अगर हम 2000 लेते हैं सर, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 20। 20 से सब में गुणा कर दीजिए आपका काम हो जाएगा, तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 कितना? 400। 20 से इसमें गुणा करेंगे, 23 × 20 यानी कितना? 420। 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 20 × 1 यानी कितना? 20। 20 से इसमें गुणा करेंगे, 120 × 20 कितना हो जाएगा? 12 × 2400। और फिर 120 गुना, फिर अब 121 को 20 से गुणा करेंगे यानी हो जाएगा 2420। समझ में आया? हर साल 10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, 20% 21%, 1% डिफरेंस हो गया, 100% मूलधन 20% ब्याज 120, 100% मूलधन 21% ब्याज 121। इस आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं 2 साल। कभी कभी ये 3 साल भी दे सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब 2000 को हम लोग क्या कर देते हैं? 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रख देते हैं, टाइम कितना कर देते हैं? 3 साल। 2 साल को हमने क्या कर दिया? 3 साल। जब 3 साल करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा सर, इसको हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस
चलिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो हम लोग समझेंगे, समझिए है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। हर साल 10% तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, अमाउंट फॉर एसआई भी पूछ सकता है, अमाउंट फॉर सीआई भी पूछ सकता है। समझ पा रहे हैं आप? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आराम से हम लोग बना सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। हर साल 10% तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1। आप चेक कीजिएगा सर, स्टार्टिंग में वीडियो में हम बताया, ध्यान दीजिएगा, 10% 3 साल, हर साल 10% 3 साल का 30, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, जो कि 3R स्क्वायर और आर क्यूब हम लोग किए थे, 3 × 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब, तो ये 30, 300 और 1000। सॉल्व करेंगे सर, 2 अंक रखना है 310, 2 अंक रखना है ट्रांसफर, यानी 33.1000 33 पॉइंट कितना परसेंट, 1%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3.1%। ASI 100% और 30% जोड़ के 130, ACI 100% और 33.1 जोड़ के 133.1। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, तो 100% का वैल्यू 3000, तो 1% का वैल्यू क्या, 30। सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। 30 × 30 बोलो कितना होगा, 30 × 30 कितना होगा बताओ, 30 × 3 900, 30 × 33.1 कितना होगा, 100 गुना करेंगे तो 993। इन दोनों का डिफरेंस 30 से गुना करेंगे इसको, 30 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 93 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3900। 30 से गुना करेंगे इसको भी, 130 को 30 से गुना करेंगे 3900, और फिर 130 को 133.1 को 30 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 3993। समझ पा रहे हैं? तो 2 साल का 3 साल का सीआई निकल गया, सीआई एसआई जो भी पूछ रहा है। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन आगे भी पूछेगा सर, ध्यान दीजिए, यही अगर 10% 4 साल कह दे तब भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सर, मूलधन हम लोग कर देते हैं 2000 और ये 10% कितना साल कर देते हैं 4। चलिए समझिएगा सर, बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10% 4 साल का कितना हो जाएगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना, पहले 10% 4 साल का कितना हो जाएगा 40, कंपाउंड इंटरेस्ट याद होगा 46.41, सीआईएसआई का डिफरेंस 6.41, अमाउंट फॉर एसआई 140, अमाउंट फॉर सीआई 146.41। नहीं, ये 4 साल का कैसे निकाले, 10% 2 साल का तो आपको याद ही था, 10% 2 साल का 21% याद था, और 21 का फिर 21 के साथ 2 और 8 का फिर कर ली 2 × 21 और 21 का 21 × 42 और ये 441, 4 × 1 ट्रांसफर 46.41%। वही चीज है, सिंपल इंटरेस्ट 10% 4 साल का 40, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का देखो 46.41, दोनों का डिफरेंस कितना 6.41, अमाउंट फॉर एसआई 100% प्रिंसिपल 40% ब्याज 140, 100% प्रिंसिपल 146.41। अब कुछ नहीं करना है, 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है, 100% 2000 है, 1% का वैल्यू क्या होगा, 20 से सब में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 40 × 20 करेंगे 800, 46.41 × 20 करेंगे, ठीक है, 20 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 × 8, 2 × 6, 12, इसको जैसे डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे 2 × 2, 2 × 8, 2 × 12, 2 × 12 = 2, 2 × 8 = 9, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 12 = 2, 2 × 8 = 9। अब दो से इसको गुणा करेंगे 2 × 2, 2 × 8, 2 × 12, समझ में आया? अब फिर इसको भी गुणा करेंगे 140 × 20 करते हैं तो 14 × 2 = 2800, और ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2928.2। समझ में आया? तो ये आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन वाला, हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए
फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं चार, प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%, टाइम 2 साल। अब जो पूछेंगे हम बता सकते हैं आराम से, इसका मतलब क्या होता है 1/6। चलिए बॉक्स बनाएंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल तो दिया हुआ तो कोई झमेला ही नहीं है, 7200 लिख दीजिए। इसका 2 पार्ट में बनेगा, इसका 1/6, इसका 1/6 करेंगे 3600, 6 से काटेंगे 1200, इसका 1/6 करेंगे 1200, फिर इसका 1/6 करेंगे क्लियर 200। 7200 का 1/6, 6 से 6 कम 6, 6 दुना 12, 1200 और 1/6 200। प्रिंसिपल कितना है 7200, एसआई कितना होगा बताओ 12 12 2400, हाँ सीआई कितना होगा 24 2 2800, और सीआई एसआई का 1200 1200 और 200, 12 12 2400 2600 हो जाएगा। सीआईएसआई का अंतर कितना हो जाएगा 200, एएसआई कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 4 2 6 और 7 2 9 9600, और एसीआई कितना हो जाएगा बता दो जोड़ दीजिए 6 2 8 7 2 9 9800। देखिए प्रिंसिपल 7200 का 1/6 1200, इसका 1/6 1200, इसका 1/6 200। तो अब देखिए पहले वर्ष का एसआई कितना है, प्रिंसिपल कितना है 7200, पहले वर्ष का एसआई 1200, दूसरे वर्ष का एसआई 1200, दो वर्ष का एसआई 2400, पहले वर्ष का सीआई 1200, दूसरे वर्ष का सीआई 1200 1400, और दो वर्ष का सीआई की बात करें 1200 2 2600। अगर बात की जाए सीआई 2 साल का, एसआई 1200, 2 साल का सीआई, 2 साल का एसआई 2400, 2 साल का सीआई 2600, तो सीआई एसआई का अंतर कितना 200। एक तरीका तो ये हुआ, डायरेक्ट बना सकते हैं नहीं, अब यही में अगर 3 साल कहा जाएगा तो 3 साल का बॉक्स बनाएंगे, कुछ नहीं है सर, है ना। साढ़े 12% समझिएगा सर, ध्यान दीजिए, टाइम हम लोग कर देते हैं 3 साल। देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, या इसको 16.9, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%, टाइम 300, प्रिंसिपल 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%, टाइम 300, इसको कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है 1/6। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 3600, 3 साल का है तो 3 साल का बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। चलिए बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/6 1/6 1/6 3600 का 1/6 600, इसका 1/6 600, इसका 1/6 600, इसका भी 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे 600। अब क्या है यहाँ पर 3 बॉक्स आया था, ध्यान दीजिए इसका 1/6, इसका 1/6 100, इसका 1/6 100 और इसका 1/6 100/9, 3600 का 1/6 1/6 1/6 600 600 600, इसका 1/6 100, इसका 1/6 100, इसका 1/6 100, फिर इसका 1/6 100/6। अब देखिए अगर इससे बात की जाए तो आराम से, पहले वर्ष का सीआई कितना होगा 600, दूसरे वर्ष का सीआई 600, तीसरे वर्ष का सीआई 600, पहले वर्ष का एसआई 600, दूसरे वर्ष का एसआई 600, तीसरे वर्ष का एसआई 600, 3 वर्ष का एसआई 1800, पहले वर्ष का सीआई 600, दूसरे वर्ष का सीआई 700,
और तीसरे वर्ष का सी एन 6 7 1 8 800 प्लस 100/3 तो ये करके बना सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से बन सकते हैं। प्रिंसिपल बता दो कितना आ जाएगा, 3600। 3 वर्ष का ऐसा ही कितना हो, 600 × 3। 3 वर्ष का सी आई कितना हो बताओ, 600 × 3 + 100 × 3 + 100/6 = 1800 + 100/6। क्लियर? अगर सी आई एस आई का अंतर निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, ये एस आई है, ये पूरा सी आई है, तो सी आई का अंतर नीचे वाला यानी 300 + 100/6। बस समझ में, ये करके भी हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। और भी बहुत सारे टेक्निक है, इसको हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए।